नमस्कार, विद्युत समाचार में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, नोटबंदी के बाद कर वसूली बढ़ी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने को लेकर विपक्ष और अन्य द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर जवाब देते हुए सोमवार को कहा कि नोटबंदी के बाद करों की वसूली में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। जेटली ने नोटबंदी के बाद करों की वसूली में बढ़ोतरी के आंकड़े देते हुए कहा कि सीमा शुल्क में मामूली गिरावट के अलावा अन्य क्षेत्रों में खासा इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि करों की वसूली के संबंध में अभी यह त्वरित अनुमान है और 2017-18 के बजट में वास्तविक आंकड़े रखे जाएंगे। सरकार 1 फरवरी को 2017-18 का आम बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि दिसंबर महीने में सोने का आयात घटने से सीमा शुल्क की प्राप्ति में 6% की कमी आई है। देश में सोने का बड़ी मात्रा में आयात होता है और इसके घटने की वजह से सीमा शुल्क पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद ज्यादातर राज्यों के मूल्य वर्धित कर संकलन में बढ़ोतरी हुई है। चालू वित्त वर्ष के पहले 9 माह में पहले की इसी अवधि की तुलना में प्रत्यक्ष कर वसूली 12.01% अधिक रही। सेवा कर और अप्रत्यक्ष कर की प्राप्ति में क्रमशः 23.9% और 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दौरान सीमा शुल्क 4.1% और उत्पाद शुल्क 43% अधिक रहा। दिसंबर 2016 में उत्पाद शुल्क 31.6%, अप्रत्यक्ष कर 2.8% और सेवा कर 12.4% अधिक रहा। गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के लिए पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों में वृद्धि दर पहले के अनुमानित 7.6% की तुलना में 7.1% रह जाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। दूसरे चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में प्रत्यक्ष कर संग्रह 12.01% बढ़कर 5.53 लाख करोड़ रुपए पर तथा अप्रत्यक्ष कर संग्रह 25% बढ़कर 6.30 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में दिसंबर तक कुल 5.53 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष कर संग्रह हुआ, जो पूरे वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान का 63% है। साथ ही यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले पहले 9 महीने की तुलना में 12.01% अधिक है। कॉर्पोरेट से प्राप्त आयकर में 10.71% तथा व्यक्तिगत आयकर में 21.7% की वृद्धि हुई है। इसमें रिफंड की गई राशि घटा देने पर कॉर्पोरेट से प्राप्त शुद्ध कर संग्रह 4.4% तथा व्यक्तिगत आयकर संग्रह 24.6% बढ़ा है। पिछले साल अप्रैल दिसंबर के दौरान 1,26,371 करोड़ रुपए का रिफंड दिया गया, जो वित्त वर्ष 2015-16 की समान अवधि की तुलना में 30.5% ज्यादा है। आलोच्य अवधि में अग्रिम कर भुगतान 14.4% बढ़कर 2.82 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसमें कॉर्पोरेट द्वारा जमा कराया गया अग्रिम कर 10.6% तथा व्यक्तिगत आय पर जमा कराया गया अग्रिम कर 38.2% बढ़ा है। अभी नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। मुलायम सिंह यादव ने चुनाव आयोग से मिलकर चुनाव चिन्ह साइकिल पर जताया हक। चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस का वादा, पंजाब को बनाएंगे नशा मुक्त और बेरोजगारों को देंगे भत्ता। श्रीलंका के 9 सैनिकों ने नागपट्टिनम इलाके में 4 भारतीय मछुआरों के साथ मारपीट की। तुर्की की सेना के हमले में IS के 48 आतंकवादी मारे गए। मिस्र में आतंकवादी हमले में 5 पुलिसकर्मी मारे गए, 10 लोग घायल। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।